इंडियन रेस्पॉन्स। देखो अब जो भी ब्रिटिश लोगों ने एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे किया, जुडिशियल लेवल पे किया, इसका कुछ ना कुछ रेस्पॉन्ड उन्हें इंडियन लोगों की तरफ से देखेगा। तो जब इंडियन लोग रेस्पॉन्ड करेंगे तो उसमें बहुत सारे रिवॉल्ट भी दिखेंगे, और इंडियन लोग रेस्पॉन्ड करते हैं ब्रिटिश की एडमिनिस्ट्रेटिव, सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल जो चेंज ये लोग करते हैं उसका। उस रेस्पॉन्ड को देखने के हमारे पास कई वे हैं, जिनमें से तीन इम्पोर्टेंट वे हैं जिनके थ्रू हम ये रेस्पॉन्ड जान सकते हैं। सबसे पहला है ट्राइबल ट्राइबल रिवॉल्ट। देखो तो ट्राइबल लोगों के साथ एक खास बात है, ये अपने कल्चर को लेके, अपने फॉरेस्ट को लेके, जल जंगल जमीन उसको लेके काफी ज्यादा सेंसिटिव रहते हैं, और जब कोई इनके एरिया में इंटरफेरेंस करता है तो ये कहीं ना कहीं उसका जवाब देते हैं। और ऐसा ये हुआ, ब्रिटिश लोगों को रिएक्शन झेलना पड़ा। और ऐसा सब होता क्यों है, क्योंकि ब्रिटिश लोग इन्हें फोर्स करते हैं कुछ चीजें चेंज करने के लिए। और ट्राइबल रिवॉल्ट के बाद दूसरा जो रिवॉल्ट होता है वो है फार्मर। आजकल भी आप देखते हो हमारे देश में जो सबसे बड़ा ग्रुप है जो पॉलिटिकल सिस्टम को, हमारे सोशल सिस्टम को चेंज करने की ताकत रखता है, वो है फार्मर। तो फार्मर का रिवॉल्ट हुआ, और उसका रीजन था ब्रिटिश की लैंड रिवेन्यू पॉलिसी। परमानेंट सेटलमेंट, रैयतवाड़ी या महलवाड़ी, ये जो था। और लास्ट में हमें दिखता है 1857 का रिवॉल्ट। ये भी एक तरीके से रेस्पॉन्स था, ये सोल्जरों की तरफ से था, आर्मी के लोगों की तरफ से, या किंग या रूलर उनकी तरफ से था। तो इनके रेस्पॉन्ड में कहीं ना कहीं कुछ चीजें कॉमन थी। पहला, ये सारे जो रिवॉल्ट हुए उसमें सबसे पहली कॉमन चीज क्या थी, ब्रिटिश की एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी। एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी, इसने क्या किया, कहीं ना कहीं ये जो लोग थे उनके साथ प्रॉब्लम क्रिएट की। और इन लोगों ने क्या किया कि पुलिस पुलिस जिसका काम होता था लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, लेकिन हमने भी देखा कि ब्रिटिश की जो पुलिस थी उसका सोल पर्पस था ब्रिटिश के बेनिफिट को एक लेवल तक पहुंचाना, ना कि इंडियन लोगों को बेनिफिट करें। इस पुलिस के द्वारा बहुत सारे फोर्स का यूज किया जाता था, और उस फोर्स के थ्रू जब भी कोई इंसान कोई डिमांड करता था तो उन लोगों को दबा दिया जाता था। तो सबसे बड़ा एक रीजन था ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, जिसमें पुलिस, सिविल सर्विस, उस टाइम पब्लिक के डेडिकेटेड नहीं थी। इसका भी मेन पर्पस था ब्रिटिश एम्पायर को स्ट्रॉन्ग करना, और कैसे इंडियन लोगों को प्रेशराइज किया जाए और ब्रिटिश एम्पायर को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हो, ये पुलिस का मेन पर्पस था, सिविल सर्विस का। और ऐसा ही हमें दिखता है इनके एडमिनिस्ट्रेशन के बाद जुडिशियल जुडिशियल सिस्टम में भी इंडियन के साथ बहुत सारा डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था। तो वो भी एक पॉइंट था जिसकी वजह से इंडियन लोगों के साथ बहुत सारा, इन लोगों ने कुछ जुडिशियल सिस्टम में इंडियन पर्सन के खिलाफ कोई डिसीजन देना हो तो उसमें डिसीजन बहुत जल्दी दिया जाता था, और यूरोपियन कोई होता था तो उसमें डिसीजन बड़ा आराम से, धीरे धीरे, या उनको उतनी ज्यादा पनिशमेंट नहीं मिलती थी जितनी इंडियन लोगों को मिलती थी। तो ये सारे जो सिस्टम है एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से, इस एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या किया, जो ट्राइबल लोग थे इनके फॉरेस्ट, जब ब्रिटिश लोगों ने एडमिनिस्ट्रेशन की पॉलिसी लॉन्च की तो उसने बहुत सारी चीजें साथ में की, और उसने फॉरेस्ट को अपने अंडर लिया। फॉरेस्ट क्यों लेना चाहते थे, पहला फॉरेस्ट को ये लोग चेंज करना चाहते थे लैंड में, फर्टाइल लैंड में, और इसके लिए इनको जरूरत थी। और साथ में इंडिया में बहुत सारे रिसोर्स थे, मिनरल्स, वो सब कहाँ मिलते थे, फॉरेस्ट में। तो ब्रिटिश लोग चाहते थे कि फॉरेस्ट पर कंट्रोल हमारा हो, ना कि ट्राइबल लोगों का। जैसे ये लोग
फॉरेस्ट से ही आप देखो, वो छोटा नागपुर प्लेटू जहाँ पे है, तो वहां पर बहुत सारी चीजें मिलती हैं, कोल मिलता है, आयरन मिलता है, तो ये सारे मेटेलिक और नॉन मेटेलिक जो मिनरल थे, इसको निकालने के लिए ब्रिटिश लोगों ने फॉरेस्ट को अपने अंडर करने की कोशिश की। तो इस वजह से कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ इनके और ट्राइबल लोगों के बीच, और इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से कहीं ना कहीं ट्राइबल लोगों ने कुछ रिएक्शन भी दिया, रेस्पॉन्ड भी दिया, और साथ में जब ब्रिटिश लोगों ने सोशल और कल्चर पॉलिसी लॉन्च की, क्योंकि ब्रिटिश चाहते थे कि भाई हम लोग थोड़ा उनकी तरह बने, क्योंकि उसके बाद ही उनका प्रोडक्ट खरीदेंगे, तो ये लोग क्या करते थे, सोशल और कल्चर जो था ट्राइबल लोगों का, उसमें भी इंटरफेरेंस करने लगे। जैसे उनका जो फेस्टिवल होता था, उस फेस्टिवल को बोलते थे कि ये तो बहुत बेकार है, तुम लोगों को तो फेस्टिवल मनाना नहीं आता, और वो लोग कुछ और चीजें भी करते थे, जैसे मान लो हंटिंग करते थे, उसको भी इन लोगों ने बैन कर दिया, बोले तुम हंटिंग नहीं कर सकते। ये लोग अपने फॉरेस्ट से बहुत सारे फ्रूट्स, शहद, हनी, ये सारी चीजें इकट्ठा करते थे, तो उस चीज को भी इन लोगों ने बैन कर दिया, बोले अब तुम लोग इकट्ठा नहीं कर सकते, क्योंकि तो अगर तुम लोग इकट्ठा करोगे तो हम अलाउ ही नहीं करेंगे। रिस्ट्रिक्शन लगा दी इनके फॉरेस्ट के ऊपर। तो जब ये सारी रिस्ट्रिक्शन लगा दी, तो इन ट्राइबल लोगों को लगा कि भाई ये लोग तो हमें कहीं ना कहीं एक तरीके से बीच में रोक रहे हैं। और साथ में इन लोगों ने क्या किया, जो एक ट्राइबल लोग थे, इनसे फोर्स लेबर करवाई, फोर्सफुली इनसे काम करवाया, इन लोगों को पकड़ा और इन्हीं लोगों से इन्हीं के जंगल कटवाए। उससे भी कहीं ना कहीं इन लोगों में थोड़ा सा गुस्सा था, थोड़ी सी ये था कि भाई हम लोग कैसे इन लोगों से बदला लें। तो ये सारी चीजें करने के लिए इंडिया में ट्राइबल मूवमेंट हुए। जैसे कुछ फेमस ट्राइबल मूवमेंट में आते हैं, जैसे आपने सुना होगा संथाल, संथाल मुंडा, बिरसा मुंडा, जिसकी बहुत फोटो भी आप लोगों ने देखी होगी कभी ना कभी, जो झारखंड छत्तीसगढ़ इस एरिया में एक तरीके से होता है। और इन लोगों ने जब रिवोल्ट किया, तो रिवोल्ट तो किया, लेकिन एक प्रॉब्लम थी रिवोल्ट के साथ, जो रिवोल्ट हुए ट्राइबल वो कभी भी एक साथ नहीं हुए, और एक साथ ना होने की वजह से ब्रिटिश लोगों को इन्हें दबाने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, बड़ी आसानी से। कभी इधर संथाल कर रहे हैं छोटा नागपुर के पास, फिर मुंडा लोग कर रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट में भी हो रहा है, तो इन लोगों को लगा कि भाई ठीक है, आराम आराम से हो रहा है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, तो हम आसानी से इस चीज को दबा सकते हैं। और एक और सबसे बड़ा जो रीजन था, इकोनॉमिक, इकोनॉमिक रीजन में सबसे बड़ी चीज, जैसे मैंने बताया कि भाई मिनरल्स और नॉन मिनरल्स ब्रिटिश लोगों को चाहिए थे, तो ब्रिटिश लोगों ने क्या किया, इनकी जो लैंड थी, जब इन लोगों ने परमानेंट सेटलमेंट अपनाया या लैंड रिवेन्यू पॉलिसी अपनाई, तो उसके थ्रू किसी थर्ड पार्टी को इनके फॉरेस्ट और लैंड का एरिया दे दिया, तो ये जो ट्राइबल लोग थे उसके एज अ लेबर बन गए, ना कि उनके पास कोई राइट था। और जब वो एज अ लेबर बन गए, तो ये इन लोग फॉरेस्ट में ही या स्टोन जो होते थे, पत्थर होते थे, उसकी पूजा भी करते थे। तो जब इन्हें लगा कि भाई ये लोग फॉरेस्ट को कंट्रोल कर रहे हैं, तो इन्हें लगा कि हमारे भगवान, हमारे गॉड उसको कहीं ना कहीं कंट्रोल कर रहे हैं। ये सारी चीजें भी इनके साथ हुई। और एक और वर्ड चलता है, ये ट्राइबल लोग एक प्रॉपर्टी में बिलीव करते थे, और ये प्रॉपर्टी जो होती थी पूरे ग्रुप की प्रॉपर्टी होती थी, जिसे ये लोग कहते थे खुटकट्टी। खुटकट्टी ये पूछ लिया जाता है भाई खुटकट्टी होता क्या है, तो खुटकट्टी मतलब सिंपल सा होता है कि जब ट्राइबल लोगों की एक साथ ग्रुप में जो प्रॉपर्टी होती है, उसी को हम कहते हैं खुटकट्टी। जैसे आजकल आप देखोगे पंचायत की प्रॉपर्टी है, गांव में कुछ ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो पब्लिक की होती है, ऐसे ही आप लोग शहर में देखोगे बहुत सारी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की होती है, तो ऐसे ही खुटकट्टी वहां पर क्या होता था, पब्लिक प्रॉपर्टी। जैसे कोई अपने एनिमल को चराने के लिए कोई ग्रासलैंड है,
उसको एक तरीके से वो कर दिया, या जहां पर ये लोग वर्शिप वगैरह करते हैं वो वाली चीजें भी कर दी। तो इस खुटकट्टी पर भी ब्रिटिश लोगों ने बैन लगा दिया, बोले ये भी हमारी, और इसको भी अपने अंडर कर लिया। तो इन लोगों को बड़ी परेशानी हुई कि भाई ये सारी चीजें हमारे साथ करते क्यों। और ये लोग एक और वर्ड बोलते थे दीकू। जो भी लोग इन ट्राइबल लोगों के बाहर से होते थे उनको ये बोलते थे दीकू, नॉन ट्राइबल पीपल। और शुरुआत में इनका जो रिवॉल्ट हुआ इन नॉन ट्राइबल पीपल के खिलाफ ही हुआ। जो ये जमींदार यहाँ पे पहुंचे या और भी इंडियंस या यूरोपियन जो यहाँ पे पहुंचे उनके खिलाफ इन लोगों ने कहीं ना कहीं रिवॉल्ट किया। और उसकी वजह से, और एक और चीज इनकी खासियत थी, जो रिवॉल्ट था वो वायलेंस होता था। ये लोग पीस में बिलीव नहीं करते थे, अपना जो तीर कमान होता था वही सारी चीजें यूज करते थे और तुरंत अपना एक्शन लेते थे, कोई भी सारी चीजें ऐसी नहीं थी। बट प्रॉब्लम ये हुई, ये लोग डिफीट हुए और बड़े अच्छी तरीके से डिफीट हुए। और डिफीट होने का सबसे बड़ा रीजन था इनके पास, पहली बात, कोई एक बड़ा लीडर नहीं था, एक कोई लीडर नहीं था जो इन लोगों को इंटीग्रेटेड कर सके। तो लैक ऑफ लीडरशिप, लीडरशिप की लैक होने की वजह से ये लोग कहीं ना कहीं बड़ी आसानी से बहुत सारे जो बैटल इन्होंने लड़े वो हार गए। और दूसरी प्रॉब्लम क्या थी, अदर जो ट्राइबल लोग थे उनके साथ कोऑर्डिनेशन भी नहीं था। और कोऑर्डिनेशन ना होने की वजह से प्रॉब्लम ये हुई, अलग अलग रिवॉल्ट हुए तो ब्रिटिश लोगों को और भी आसानी हुई इनको प्रेशराइज करने में। और ये लोग अभी भी उन वेपन का यूज कर रहे थे ब्रिटिश के खिलाफ जो बहुत ट्रेडिशनल है, जैसे तीर धनुष का यूज करना, कोई इनके पास तलवार है भाला है उसका यूज करना। और ब्रिटिश लोगों के पास क्या थी, गन थी, वो चीजें आती तो वो चेंज हो जाती उसमें। और एक और प्रॉब्लम क्या थी, ये लोग बिलीव करते थे आउटर पावर में, ये सोचते थे कि चमत्कार होगा, जब हम लोग तीर चलाएंगे तो हमारा तीर आग में चेंज हो जाएगा और आग जाके ब्रिटिश लोगों को जला देगी। और सोचते थे कि ब्रिटिश लोगों की जो बंदूक है वहां से गोली तो चलेगी, बुलेट चलेगी, बट जब वो बुलेट हमारे पास तक आएगी तो वो पिघल के नीचे गिर जाएगी, वो फूल बन जाएगा। और इस वजह से इन लोगों को डर भी नहीं था शुरुआत में, उन्हें लगा कि हमारा तो जो गॉड है वो हमारे साथ है और ब्रिटिश लोगों के साथ कोई गॉड नहीं है। तो इस अंधविश्वास ने या आउटर जो पावर पर इन लोगों ने बिलीव किया अदर पावर पर, तो इसकी वजह से भी ये लोग हारे, क्योंकि ऐसा कोई चमत्कार हुआ नहीं जैसा ये लोग सोचे थे। और चमत्कार ना होने की वजह से तो इनका मोटिवेशन भी डाउन हो गया, जब इन्हें लगा कि भैया ऐसा कुछ चमत्कार होता ही नहीं है और हम लोग वैसे ही बोल रहे थे। ब्रिटिश लोगों ने एक चीज और इनको बोली कि तुम लोग असभ्य हो और हम लोग वाइट है, तो वाइट लोगों का ये बर्डन बनता है कि भैया जो लोग असभ्य है या जिनका डेवलपमेंट नहीं हो चुका है उनको थोड़ा सा और हम लोग सही करें। तो ये सारी जो पॉलिसी थी ब्रिटिश की उसके थ्रू इनको दबा दिया गया। लेकिन एक रिजल्ट जो इसका निकला ये निकला कि ब्रिटिश लोगों को भी थोड़ी प्रॉब्लम हुई। और फिर बाद में ब्रिटिश लोग ऐसे कुछ एक्ट लेके आए कि भैया जिसके थ्रू इन लोगों के लिए कुछ प्रोविजन किए जाए, क्योंकि अगर प्रोविजन कर देंगे तो अच्छा रहेगा, ये लोग बार बार इनको रिवॉर्ड नहीं करेंगे। जैसे आजकल आप लोग नॉर्थ ईस्ट में देखते हो, नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारी ट्राइब है, तो बार बार मणिपुर में अभी वायलेंस हो रही है, तो उसका रीजन भी यही है कि इनके जल जंगल और जमीन, ये लोग अपने वाटर फॉरेस्ट और अपनी लैंड को लेके कुछ भी करने को रेडी होते हैं। तो ऐसा ही इनके साथ था और ऐसा ही अभी भी हमें दिखता है। ट्राइबल लोगों की सबसे ज्यादा पावर है उनका फॉरेस्ट, और फॉरेस्ट में बहुत सारे रिसोर्सेस है, तो उसको बैलेंस करना आसान काम नहीं होता कि इन लोगों के साथ कैसे वो चीजें कर। इन लोगों को डेवलपमेंट भी नहीं चाहिए, ये अपने फॉरेस्ट में खुश होते हैं। अब हम बात करें कि भाई इनका नेचर कैसा था।
जैसे हमारा कुछ नेचर होता है कि भाई हम थोड़ी हाइट ज्यादा है कम है, या हमारे बॉडी का स्किन कैसा है, हमारे बाल कैसे हैं, घोरा ले या सिंपल वाले बाल है, ऐसे ही इसका रिवॉल्ट का भी कुछ नेचर होगा। तो नेचर में हमें कुछ चीजें दिखाई देती है। पहला, जो ये ट्राइबल रिवॉल्ट था वो लोकल था, ना कि नेशनल। लोकल लेवल पे था और इनकी डिमांड भी अपनी लोकल ही थी कि भैया हमारा फॉरेस्ट दे दो, हमारा जंगल दे दो, हमें कुछ और नहीं चाहिए, बस ये सारी चीजें आप दे दो, हमारा काम चल जाएगा। तो इनकी जो डिमांड थी वो कैसी थी? लोकल थी, और लोकल लेवल पे ये रिवोल्ट स्टार्ट हुआ था। तो इसलिए नेशनल लेवल का रिवोल्ट हम इसे नहीं कह सकते। दूसरा, ये लोग मसीहावादी आउटर जो फोर्स थी उस पर एक तरीके से बिलीव करते थे, और इस बिलीव के कारण इसको हम कहते हैं कि भैया थोड़ा सा इस वाले प्लेनेट या इस अर्थ की बात, या आज के जो रियलिटी साइंटिफिक बात की जाती है, वो इसमें नहीं था। तो हम कह सकते हैं मसीहावादी नेचर भी इनका था, ये लोग मसीहावादी में ही बिलीव करते थे। ठीक है, बताएगा दीप्तांशु जी या सृष्टि जी, रिवॉल्ट और रिवॉल्यूशन में क्या फर्क होता है? पढ़े हैं ना आपने दोनों ये? यस, बताइए रिवोल्ट रिवॉल्ट। करेंगे तभी रेवोल्यूशन आएगा। रिवॉल्ट करेंगे तब रिवॉल्यूशन आएगा। मतलब स्वाति रिवोल्ट जी एक आप कुछ, प्रोसेस है और रेवोल्यूशन उसका रिजल्ट, ऐसा। आप भी कुछ बोलना चाहोगे सृष्टि जी? सृष्टि जी वॉइस आ रही है आपको? सृष्टि जी को लग रहा है वॉइस ही नहीं जा रही। हाँ बोलिए बोलिए, और क्या बोलना चाह रहे दीपकांत जी? वॉइस आ रही है ना मेरी? यस सर, आ रही है। चल, सृष्टि जी को नहीं आ रही शायद। चलिए बताइए बताइए क्या बोल रहे थे दीपकांत जी? कुछ नहीं, बस उतना ही। रिवोल्ट करेंगे तो रेवोल्यूशन आएगा। रेवोल्यूशन एक मतलब रिजल्ट है रिवोल्ट का। अब रिवोल्ट रिवॉल्यूशन रिजल्ट है। पीसफुल हो सकता है या अनपीसफुल भी हो सकता है। और रिवॉल्यूशन पीसफुल भी, रिवोल्ट रिवोल्ट पीसफुल भी हो सकता है या नहीं भी हो सकता। पीसफुल हो भी सकता है और नहीं। सृष्टि जी अगर आपको भी आ रही है तो आप भी थोड़ा बता दो। चलिए नहीं तो फिर मैं ही बताता हूँ। देखो रिवॉल्ट और रिवॉल्यूशन, रिवॉल्ट जो होता है ये आप कह सकते हो, जैसे पहला दीप्तांशु जी ने बताया कि भाई वॉयलेंस और नॉन वॉयलेंस, ये तो दोनों में इंक्लूड हो सकती है। जैसे इंडिया का 1857 का रिवोल्ट वॉयलेंस एक तरीके से रिवोल्ट था, जिसमें उन लोगों ने वेपन उठाया और उसके बाद एक तरीके से ये सारी चीजें। डिफरेंस बस ये होता है, रिवोल्ट वाले लोग सिस्टम का कोई ऑप्शन नहीं देते। जैसे 1857 का रिवोल्ट हुआ लेकिन उनके पास कोई रीजन नहीं था कि भाई रिवोल्ट तो हमने कर लिया लेकिन रिवोल्ट के बाद क्या, आप लोग कैसे सिस्टम जनरेट करोगे, क्या चीजें करोगे, क्या अच्छा करोगे, क्या नेगेटिव है, उसको कैसे रिफॉर्म करोगे। तो सिस्टम का ऑप्शन सर कांट हियर।
आवाज नहीं आ रही। हेलो सर, आवाज नहीं आ रही। देवतांशु जी, आवाज आ रही है? नहीं, हाँ बार रही, अब आ रही। कब आ रही है? सृष्टि जी, आपको आ रही है? यस सर। चलिए, आपके अब वॉइस नहीं आ रही थी क्या पहले? चलिए, तो देखो ये, अच्छा, तो ये नेचर वाले तक तो आवाज आ गई थी ना दीप्तांशु जी, या नहीं आई थी? अब अभी तक तो नहीं आ रही थी, वो रिवोल्ट सबके बाद। चलो देखो, अब इसमें खासी रिवोल्ट, जो सबसे पहला रिवोल्ट ट्राइबल का हमें देखने को मिलता है वो है खासी। और खासी कांट हियर और नॉर्थ ईस्ट में एक हिल आपको दिखेगी, मेघालय का जो प्लेटू है वहां पर तीन हिल्स आपको दिखेंगी, गारो, खासी, जैंतिया। तो उसमें से एक ट्राइब है खासी। जब ब्रिटिश लोगों को जरूरत पड़ी रिसोर्स की तो वो लोग पहुंचे नॉर्थ ईस्ट, और नॉर्थ ईस्ट में इन लोगों ने इनके फॉरेस्ट काटना स्टार्ट किया। तो जब फॉरेस्ट करना स्टार्ट किया तो यहाँ के ट्राइबल लोगों ने रिवोल्ट किया ब्रिटिश के खिलाफ, और यहाँ के जो लीडर थे तीरथ सिंह,
उन्होंने कुछ लोगों को इंटीग्रेट किया और ब्रिटिश के खिलाफ वॉयलेंस तरीके से रिवॉल्ट लॉन्च कर दिया। लेकिन इस रिवॉल्ट को बहुत जल्दी ब्रिटिश लोगों ने कंट्रोल भी कर लिया। उसका रीजन था, इतने बड़े लेवल पे नहीं था, तो तीरथ सिंह को गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करके जेल में भेज दिया। तो ये रिवॉल्ट, इतना ही आपको जानना है कि भाई ये खासी रिवॉल्ट हुआ का, तो हिल के नाम पे आपको नाम याद हो जाएगा। और इसका टाइम पीरियड की बात करें तो अप्रोक्स 1830 से 33, लगभग 3 ईयर के आसपास ये रिवॉल्ट चला और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में चला। वहीं पर एक और ट्राइब थी कोल। आप लोगों को पता है इंडिया में सबसे ज्यादा जो कोल मिलता है वो छोटा नागपुर प्लेटू वाले बेल्ट में मिलता है, और यहीं पर एक ट्राइब रहती थी कोल के नाम पर, या कोयले के जो नाम पर ही एक ट्राइब का नाम है कोल। तो कोल जो ट्राइब है उसके साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। ब्रिटिश लोगों को यहां से चाहिए था आयरन और कोल, लेकिन ये तो ट्राइब थी वो बीच में आ रही थी, तो ब्रिटिश लोगों ने इसके बहुत सारे जो राइट थे वो थोड़े छीने। और जब राइट छीनने की बारी आई तो इन लोगों ने भी रिवॉल्ट किया। तो इसके जस्ट बाद, खासी के जस्ट बाद जो सेकेंड रिवॉल्ट होता है 1831 में, वो था कोल रिवॉल्ट। और ब्रिटिश लोगों ने इस छोटा नागपुर प्लेटू को अपने अंडर करने की कोशिश की। छोटा नागपुर प्लेटू उस टाइम बंगाल का ही पार्ट हुआ करता था। बंगाल में बहुत सारे स्टेट थे, उड़ीसा, बिहार, ठीक है, और बांग्लादेश आज का, ये सारे कहीं ना कहीं बंगाल का ही पार्ट हुआ करते थे। तो यहाँ पर भी दो भाई आए और उन भाइयों ने मिलके कहीं ना कहीं ब्रिटिश के खिलाफ रिवॉल्ट लड़ा, जिसमें थे एक थे सुरगाराम और दूसरे थे बुद्धो भक्ता। सुरगाराम और बुद्धो भक्ता ने अपने जो आसपास के लोग थे उनको साथ में लाए और फिर उसके बाद ब्रिटिश के खिलाफ लॉन्च किया अपना रिवॉल्ट। तो सुरगाराम और बुद्धो भक्ता ने ये सारी की जीत की, और कुछ टाइम तक ये चला। ब्रिटिश लोगों को थोड़ा सा लॉस भी हुआ क्योंकि उनकी माइनिंग भी रुकी, और साथ में जो वहाँ की लेबर थी उन्होंने उनका थोड़ा सा सपोर्ट कम किया, तो कुछ टाइम के लिए थोड़ा सा लॉस हुआ। लेकिन बाद में फिर इस रिवॉल्ट को भी इन लोगों ने कंट्रोल में ले लिया। अगला जो मेन रिवॉल्ट होता है 1857 से जस्ट पहले, ये वाला रिवॉल्ट थोड़ा सा ज्यादा बड़ा है और इसको लेकर काफी ज्यादा न्यूज में भी रहता है, हिस्ट्री में काफी डिबेटेबल इशू है। इसको हम कहते हैं संथाल रिवॉल्ट। कई बार बोला जाता है कि फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 की जगह संथाल को मारना चाहिए। तो संथाल जो रिवॉल्ट हुआ उसको बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई इंडियन गवर्नमेंट ने हिस्ट्री में संथाल रिवॉल्ट को वो एक तरीके से स्टेटस नहीं दिया जो देना चाहिए। तो संथाल रिवॉल्ट जस्ट 1857 से पहले होता है और इसका जो टाइम पीरियड चलता है 1855 टू 1856। देखो संथाल कौन थे, संथाल एक ट्राइबल ग्रुप ही था और ये ट्राइबल लोग काफी ज्यादा हार्ड वर्किंग थे। तो इन लोगों ने क्या किया, जो बड़े बड़े जमींदार थे इन्हें फॉरेस्ट से बुलाया संथाल ट्राइब को और उनसे जंगल कटवाए अपने आसपास के, और इन लोगों ने वो जंगल काट के वहां पर जो लैंड थी, जो एक तरीके से आप कह सकते हो बैरिड रेन थी जिसमें कहीं ना कहीं कोई भी क्रॉप नहीं होती थी, उसको फर्टाइल बनाया। और फर्टाइल बनाने के बाद वहां पे बहुत सारा अच्छा क्रॉप प्रोडक्शन होने लगा। लेकिन ब्रिटिश लोगों को लालच आ गया, ब्रिटिश बोले भाई ये वाला फर्टाइल लैंड हमारे अंडर होना चाहिए, और इसीलिए इन्होंने पहले कुछ एक्ट बनाए और बोला संथाल को ये जो प्रॉपर्टी जिस पर आप लोग हो ये इलीगल आप लोगों ने एक्वायर किए। तो संथाल वाले बोलते कैसे इलीगल एक्वायर किए, हमारे बहुत सारे एंसेस्टर, हमारी बहुत सारी जनरेशन
कितने सालों से यहां पर काम करते आ रहे हैं। तो इसी बात को लेकर दोनों के बीच एक तरीके से रिवोल्ट स्टार्ट हो गया, और ये संथाल लोग ट्राइब अभी भी आपको दिख जाएंगे बिहार और बंगाल में, बिहार और हमारे वेस्ट बंगाल में संथाल ट्राइब रहती हैं। और यहाँ पर चार भाई थे उन लोगों ने मिलकर, जैसे एक थे सिद्धू कानो, इनका नाम है सिद्धू कानो, ये भाई थे। दूसरा चांद भैरव, चांद भैरव, इनका नाम जरूर याद रखना, पहले का याद रहे ना रहे कोई चलेगा, लेकिन ये संथाल वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फूलो झानो, फूलो झानो, ये भी भाई थे। तो इन सब भाइयों ने मिलके अपने प्रॉपर्टी राइट को लेकर रिवोल्ट किया और ब्रिटिश वालों से बोला कि भैया हमारा ये दो। और ये संथाल लोग जो थे इनकी स्ट्रेटेजी एज कंपेयर टू खासी और हमने देखा कोल्ड रिवोल्ट उसके कंपैरिजन ज्यादा स्ट्रांग थी, और संथाल लोग बड़ी आसानी से नहीं आ रहे ब्रिटिश लोगों से। इन लोगों ने ब्रिटिश लोगों को काफी बड़े लेवल पे लॉस पहुंचाया, और साथ में ही जमींदार, जो जमींदार ब्रिटिश के साथ थे उनको भी इन लोगों ने लॉस पहुंचाया। तो उसके बाद ब्रिटिश लोगों को मजबूरी में जब ये सारी चीजें हुई तो बंगाल के एक पार्ट को रिकॉग्नाइज करना पड़ा कि भैया ये संथालियों का पार्ट है और कोई भी लोग इनके पार्ट पर कंट्रोल नहीं करेगा। तो एक अलग से प्रोविंस या डिस्ट्रिक्ट आप कह सकते हो संथाल परगना, ये इन लोगों को बनाना पड़ा। परगना, परगना मतलब पहले होता था डिस्ट्रिक्ट या एक जोन तरीके का, तो संथाल परगना बनाया। इसलिए कई बार बोलते हैं कि भैया 1857 का रिवोल्ट तो ठीक है, लेकिन उससे पहले अगर 1856 में रिवोल्ट इतना बड़ा हुआ है तो संथाल वालों को ही हम क्यों नहीं कह देते कि भाई फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस है, लेकिन कई बार नहीं होता। उसका रीजन ये होता है इनके पास उतनी स्ट्रेटेजी नहीं थी जो 1857 के रिवोल्ट वालों के पास, और दूसरा इनके जो इशूज थे वो लोकली थे। अभी ये किसके लिए लड़ाई कर रहे हैं, अपनी प्रॉपर्टी के लिए, कहीं भी नेशनलिज्म की फीलिंग, कहीं भी इंटीग्रेशन, ये सारी चीजें नहीं दिखती। तो इसलिए बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भैया इसमें वो सारी इंटीग्रेशन वाली चीजें नहीं है, तो इस वजह से हम इसे फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस नहीं कह सकते। हाँ, माना ये पहले जो ट्राइबल है उससे ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन इतना स्ट्रांग भी नहीं है कि इसको हम लोग फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस बोले। फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस के लिए और बहुत सारी कंडीशन है जो इन्हें पूरी करनी चाहिए। पहला, उसका एरिया बड़ा होना चाहिए। दूसरा, इनके इशूज में नेशनल इशू कम से कम इंक्लूड होने चाहिए। और तीसरा, लोगों का पार्टिसिपेशन, लोगों का पार्टिसिपेशन ज्यादा होगा तब हम बोलेंगे कि हाँ भैया ये सारी चीजें इसमें इंक्लूड थी। ठीक है, तो समझ आया आप लोगों को तीनों ये, किसी को कोई डाउट है इसमें? देखिए, अब इसके बाद और जो रानी गेंदल्यू का नाम आप लोगों ने शायद सुना होगा, मणिपुर में एक रिवोल्ट चला और उस रिवोल्ट को जालियांग्राम रिवोल्ट के नाम से भी जाना जाता है शुरुआती फेज में। और वहां के जो लीडर थे जैदो नाम, मणिपुर रिवोल्ट, इसके लीडर कौन है? जैदो नांग। जैदो नांग अपने मणिपुर में बहुत सारे लोगों को एक साथ लाता है और लाने के बाद ब्रिटिश के खिलाफ रिवोल्ट होता है। और यहां पर जो इशू था वो था लैंड टैक्स को लेकर,
ब्रिटिश लोगों ने इन मणिपुर ट्राइब वाले लोगों को लैंड टैक्स देने के लिए फोर्स किया, और ये लोग बोले कि ये हमारी इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी है, तो हम लोग इस पर बहुत सेंचुरी से रह रहे हैं, तो आप लोग कोई राइट नहीं बनता कि आप लोग हमसे टैक्स लो। इवन इन लोगों से जब उस टाइम मुगल टाइम पीरियड था या दिल्ली सल्तनत थी, वो लोग भी टैक्स नहीं लेते थे। क्यों? क्योंकि इतना ज्यादा इंटरेक्शन नहीं हुआ करता था, तो इन लोगों को छेड़ा नहीं जाता था। और जैदोनांग ने पहले इस चीज को किया, और ये थोड़ा सा वॉयलेंस था शुरुआत में, और जैदोनांग की जब थोड़ा पकड़ लेते हैं ब्रिटिश लोग और फिर उनकी डेथ भी हो जाती है, तो एक बच्ची या एक वूमेन जिसका नाम है गेंडिल्यू, फर्स्ट वूमेन इंडिया में जो एक तरीके से रिवोल्ट में इंक्लूड हो रही है और एज ए लीडर भी है, तो इसलिए रानी गेंडिल्यू का नाम काफी ज्यादा फेमस है। तो आप लोगों से पूछा जा सकता है कि भाई ट्राइबल लोगों में ऐसी कौन थी वूमेन जिसने एक तरीके से लीडरशिप किया, रोल प्ले किया, तो रानी गेंडिल्यू उसके बाद अपने अंडर इसको ले लेती है मणिपुर रिवोल्ट को। वो गांधीवादी जो पॉलिसी है या फिलोसॉफी है पीसफुल तरीके से उस चीज को करना, उसके बाद ऐसी तो, और ये मणिपुर रिवोल्ट जुड़ जाता है किससे? दांडी मार्च से। 1930 में दांडी मार्च जो होता है, उस दांडी मार्च के साथ ही मणिपुर रिवोल्ट जुड़ जाता है। उसका रीजन था रानी गेंदिल्यू का विजन। वो एक नेशनलिज्म की फीलिंग को समझती थी और उन्होंने ये सारी चीजें की। और इसमें जो ट्राइबल लोग थे वो थे नागा। नागा ट्राइब काफी ज्यादा फेमस है मणिपुर और नॉर्थ ईस्ट में, और थोड़ा खतरनाक भी होते हैं। तो नागा ट्राइब से रानी गेंदिल्यू और जैदोनांग जी जुड़े हुए थे, तो ये लोग मिलके एक तरीके से रिवॉल्ट करते हैं, और फिर उसके बाद गांधी मूवमेंट के साथ इनका इंटीग्रेशन हो जाता है। और फिर ब्रिटिश लोग क्या करते हैं, रानी गेंदिल्यू को पकड़ लेते हैं, और 1932 से 1947 तक, जब तक हमें आजादी नहीं मिलती तब तक रानी गेंदिल्यू जेल में ही होती है एज अ प्रिजनर। और फिर उसके बाद हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जाते हैं और रानी गेंदिल्यू को प्रिजन से निकालते हैं। पहले इनका नाम सिर्फ गेंदिल्यू था, इनको जो रानी नाम दिया ये हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ने दिया। ऐसे भी पूछा जा सकता है कि भाई इनका जो सरनेम है रानी, या इनको एक टाइटल दिया गया रानी, वो किसने दिया? तो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ने दिया रानी गेंदिल्यू को, और फर्स्ट वुमेन जो इंडियन नेशनल मूवमेंट में दिखाई देती है। तो इसलिए ये वाला जो मूवमेंट है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसका दूसरा नाम, पहला तो एक मणिपुर रिवोल्ट हो सकता है, दूसरा इसका नाम है जालियाग्राम रिवोल्ट। जालियाग्राम एक प्लेस था जहां से ये रिवोल्ट स्टार्ट हुआ, तो उसके बेस पे इसका नाम जालियाग्राम रिवोल्ट भी रख दिया गया, जालियाग्राम। तो इस दूसरे नाम से भी आप लोग इसे कह सकते हो। तो एक तरीके से ये एक और रिवोल्ट था। फिर अगला रिवोल्ट जो हुआ वो है मुंडा। वो गाने वाला मुंडा नहीं, ये वैसा वाला मुंडा है। मुंडा एक ट्राइब थी, इनके भी कुछ ना कुछ इश्यूज थे, और यूपीएससी ने 2021 में इसके बारे में क्वेश्चन पूछा था, मुंडा रिवोल्ट के बारे में। उन्होंने बस इतना ही बोला था कि भाई उलगन रिवोल्ट इज रिलेटेड टू विच ट्राइब। मुंडा रिवोल्ट को एक और दूसरे नाम से हम जानते हैं, जिसका नाम है उलगन रिवोल्ट। उलगन मतलब ग्रेट रिवॉल्यूशन, ये ट्राइबल वर्ड है। उलगन का मतलब होता है ग्रेट रिवॉल्यूशन। और इन लोगों ने ये सारी चीजें जो स्टार्ट की, उसका रीजन था सोशल और कल्चरल और पॉलिटिकल। या एक पर्सन थे जिनका नाम था बिरसा मुंडा, और बिरसा मुंडा ट्राइब में काफी ज्यादा फेमस पर्सनैलिटी है। और मुंडा जी ने बोला कि भैया हम लोग
अपनी सोसाइटी में कोई भी चेंज ब्रिटिश के कहने से क्यों करेंगे, हम लोग पॉलिटिकली उनके कहने से क्यों चलेंगे, हम लोग अपने हिसाब से सारी चीजें करेंगे। और इस बेटा मुंडे जस्ते जी के साथ एक और क्या थी, ये क्रिश्चियन मशीनरियों के साथ बहुत सारी ट्रेनिंग ले चुके थे। तो जैसे क्रिश्चियन मशीनरी करती थी ट्राइबल लोगों को बहलाने के लिए, जब उनको फीवर आता था एक पैरासीटामोल दे देती थी, बोलते देखो हमारे गॉड ने तुम्हारे लिए चमत्कार किया है, कोई कोई गॉड की पावर है जिसकी वजह से आप लोग बच गए हो। और मुंडा ने बोला हम अलग से एक अपना किंगडम रेडी करेंगे और उसका हेड कौन होगा, मुंडा होंगे, बिरसा मुंडा जी। और इन्होंने अलग से एक स्टेट या प्रोविंस की डिमांड की। ये सिर्फ यहीं तक नहीं रुके कि भाई मुझे मेरे फॉरेस्ट दो, मेरे लैंड दो, इन्होंने उससे आगे जाके चीजें बोली और बोला हमें एक स्टेट चाहिए और उस स्टेट में हमारे अकॉर्डिंग ही रूल बनेंगे और हम लोग उस स्टेट में ना तो किसी गवर्नमेंट ऑफिसर को अलाउ करेंगे और ना ब्रिटिश के रूल वहां पे चलेंगे। तो बिरसा मुंडा जी थोड़े से एजुकेटेड थे तो उसके हिसाब से ये एक सिस्टम भी बोलते हैं। लेकिन प्रॉब्लम इनके साथ क्या थी, ये भी कहीं ना कहीं वही चमत्कारी जो शक्तियां थी उनसे रिलेटेड थे और साथ में ही ये खुद अपने आप को बोलते थे कि भाई मैं कृष्ण जी का अवतार हूं और कृष्ण जी ने मुझे वरदान दिया है और इसके लिए मेरे पास बहुत सारी पावर है। तो फिर बाद में जब इनकी पावर और ये सारी चीजें, इस वजह से क्या था, इनका पब्लिक में डोमिनेशन ज्यादा हो गया तो ब्रिटिश लोगों को कुछ ना कुछ थोड़ा सा फील हुआ कि भाई इसका अगर ज्यादा पब्लिक सपोर्ट होगा तो कहीं ना कहीं ऐसा ना हो जाए मुंडा वाला जो क्षेत्र है ये हमसे चला जाए। ये बिरसा मुंडा जी ज्यादातर झारखंड और बिहार वाला जो प्लेस था वहां पर एक तरीके से मिली। और इन्होंने अपना रिलीजन भी दिया मुंडा रिलीजन, बोला कि हम एक अलग रिलीजन भी बनाएंगे जिसमें हमारे सोसाइटी में इक्वालिटी की बात होगी, लोगों को फ्रीडम होगी, लोग आराम से मूवमेंट कर सकेंगे, जो उनका मन होगा वो कर सकेंगे। फिर बाद में ब्रिटिश लोग इनको कंट्रोल कर लेते हैं और फिर ये जेल में चले जाते हैं और जेल में ही इनकी डेथ हो जाती है और बिरसा मुंडा जी खत्म हो जाते हैं। ठीक है, तो ये सारा ट्राइबल मूवमेंट के बारे में था, कुछ फेमस ट्राइबल मूवमेंट मैंने आपको बताए और साथ में इसके कुछ फीचर बताए। ठीक है, तो ये सारी ट्राइबल के उसमें था। कल आप लोग एजुकेशन पॉलिसी के बारे में लिख रहे थे, है ना दीप्तांशु जी, एजुकेशन पॉलिसी के आप लोगों ने रिजल्ट नहीं लिखे थे शायद, है ना, उसका रिजल्ट बताया था ना। यस सर। तो एजुकेशन पॉलिसी के पॉइंट में रिजल्ट लिखी कि उसका रिजल्ट क्या निकला, उसमें लिखिए पहला पॉइंट was developed which present economic sir ek bhi starting anal bol do likhi a educated middle class was developed, educated middle class was developed which present
इकोनॉमिक एनालिसिस, इकोनॉमिक एनालिसिस ऑफ कॉलोनियल पॉलिसी, इकोनॉमिक एनालिसिस ऑफ कॉलोनियल पॉलिसी एंड ऑल्सो लेड नेशनलिज्म एंड ऑल्सो लेड नेशनलिज्म मूवमेंट ऑल्सो लेड नेशनलिज्म कहने का मतलब ये है जो ये एजुकेटेड लोग थे जब इन्होंने ब्रिटिश से एजुकेशन ली तो इन्हें बहुत सारी चीजें ब्रिटिश के बारे में पता चली कि ये लोग कैसे हम लोगों का मिसयूज करते हैं। तो उसके बाद इन लोगों ने बताया ड्रेन ऑफ वेल्थ, ब्रिटिश की जो पॉलिसी है चाहे एजुकेशन हो रेलवे उसका पर्पस क्या है। तो इससे हमारे देश में नेशनलिज्म की फीलिंग और जागी और लोगों को पता चला कि ब्रिटिश लोग ये जो भी चीजें कर रहे हैं अपने प्रॉफिट के लिए कर रहे हैं, हमारा फायदा कभी उनका गोल रहा ही नहीं। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए इसमें पॉजिटिव एक और, मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम ऑल्सो फेमस human right, comma freedom, human right, comma freedom equality and Indian Republic which create new energy in Indian nationalism, new energy in Indian nationalism. अब इसका एजुकेशन सिस्टम का जो नेगेटिव पॉइंट है, कल मैंने एक पॉइंटर बताया था कि भाई एजुकेशन सिस्टम की वजह से इंडिया में कम्युनल वायलेंस बढ़ी। उसका रीजन क्या था? मुस्लिम लोगों का एक लैंग्वेज से अटैच होना फारसी, और उनके लिए वो फारसी लैंग्वेज ही सारी चीजें थी, जबकि हिंदू लोगों के लिए ऐसी कोई बाउंडिंग लैंग्वेज नहीं थी। इसलिए वो लोग इंग्लिश सीखते हैं, इंग्लिश सीखने के बाद उनको जॉब मिलती है और इस जॉब की वजह से कहीं ना कहीं उनका सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम लोगों का ये सब नहीं होता। तो इस वजह से कम्युनल वायलेंस भी इनडायरेक्टली एजुकेशन पॉलिसी से इंक्रीज हुई। तो लिखिए नेगेटिव पॉइंट में एक और, एजुकेशन पॉलिसी प्रमोट कम्युनलिज्म, प्रमोट कम्युनलिज्म बिटवीन
communism between Hindu and Muslim. Between Hindu and Muslim. Hindu and Muslim. ठीक है, तो ये भी एक तरीके से सुना. अब आप कंक्लूजन लिखिए, एजुकेशन पॉलिसी का कंक्लूजन. ब्रिटिश एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च फॉर colonial benefit, so they create a class which was in thought and interest, look like British. ठीक है, थॉट और इंटरेस्ट में वो कैसे दिखते थे, जैसे ब्रिटिश वाले. और ये इनका पर्पस था कि मार्केट में प्रोडक्ट बेचने के लिए कोट पैंट पहनना बहुत जरूरी है, ये सारी चीजें इसमें थी.